गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लास में। आज 4 नवंबर है। अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उनको एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किन दो देशों का दौरा किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में इटली और पुर्तगाल का दौरा किया है। विश्व खाद्य इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? विश्व खाद्य 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया। भारत का हंगर प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, सभी जिलों में हॉलमार्क केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य है केरल। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। कैलिस कोको कोकिन का टीका ब्राजील में खोजा गया है। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रवासी सप्ताह कहाँ पे शुरू हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। अब हुआ आवास योजना का शुरुआत झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश वायुसेना का भारत दौरा कौन से राज्य का रहा? भारत का नागालैंड में रहा। AI सेफ्टी समिट का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया। यह AI पर आधारित पहली समिट थी। भारत गौरव ट्रेन के संचालन की घोषणा हाल ही में कहाँ पे हुई है? नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए भारत गौरव ट्रेन के संचालन की घोषणा हाल ही में हुई है। अब हम देख लेते हैं 4 नवंबर से रिलेटेड इतिहास में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाएं ये हैं दोस्तों। उन्नीस सौ 51 में प्रसिद्ध भारतीय नेता सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शाह मेहता का आज ही के दिन निधन हुआ था। अब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा फोन। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रख्यात लेखक टी पद्मनाभन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जो टी पद्मनाभ है उनको केरल ज्योति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें केरल के जो केरल ज्योति शीर्ष पुरस्कारों की, तो केरल में शीर्ष पुरस्कार है केरल ज्योति। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस पुरस्कार की शुरुआत 2021 में हुई थी दोस्तों। यह जो टी पद्मनाभ हैं दोस्तों, उन्हें यह किस लिए प्रदान किया जा रहा है? साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, साहित्य में योगदान के लिए। तो अब आपसे बात की जाए केरल की, तो केरल के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्या क्या है? वहां पे एक फेमस साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली है। एजुकेशन के मामले में पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है केरल। अगर बात करें सेक्स रेशियो की, तो वो भी सबसे ज्यादा है। कितना है केरल का सेक्स रेशियो? केरल का सेक्स रेशियो है 1000 मेल पे 1084 फीमेल है दोस्तों। और जो भारत का सेक्स रेशियो है वो है इंडिया का 962 है आई थिंक। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वहां के मुख्यमंत्री हैं फिलहाल पिनराई विजयन, पी विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं। विजयन मुख्यमंत्री हैं। और जो केरल ज्योति पुरस्कार है दोस्तों, वो केरल का शीर्ष पुरस्कार है।
मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? एमटी वासुदेवन नायर। शुरुआत हुई थी 2021 में। हाल ही में केरल प्रभा पुरस्कार के लिए न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी को उनके उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए चुना गया है। यहाँ पे दोस्तों केरला में तीन फेमस पुरस्कार हैं, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरला श्री, केरल श्री, जिनमें केरल ज्योति केरल का शीर्ष पुरस्कार है। तो न्यायमूर्ति रिटायर्ड न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी को उनको उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए केरल प्रभा पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? कौन सा उत्सव? उत्सव सभी इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, पारुमला पेरुनल उत्सव। ये कहाँ पे मनाया गया है? यह मनाया गया है केरला राज्य में दोस्तों। केरला के बारे में कुछ डिटेल्स हमने आपको अभी बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, कुछ और देख लेते। पारुमला पेरुनल संत मेट्रोपॉलिटन गिवर्गिस मार्ग ग्रोगियोस की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। यह ईसाइयों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अगर हम बात करें केरल के कुछ प्रसिद्ध त्योहारों की, तो वो है दोस्तों ओणम सबसे फेमस है केरल का, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। त्रिशूर पूरम, तिरुवथिरा, विशु और थेय्यम महोत्सव वहाँ के फेमस त्यौहार हैं। अट्टूकल, पोंगल, क्रिसमस, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ओणम, याद रखिएगा। अगर हम बात करें केरल के स्थापना दिवस की, तो केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा राजस्थान के ग्वालियर को क्या नाम दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा क्या दिया गया नाम दोस्तों? संगीत का शहर। सिटी ऑफ म्यूजिक यह नाम दिया गया। इससे पहले यूनेस्को के द्वारा यह नाम भारत के किस शहर को दिया जा चुका है? भारत के वाराणसी को भी यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक अवार्ड दिया जा चुका है। अगर हम बात करें यूनेस्को की सूची में भारत के कुल कितने स्थान हैं, तो यूनेस्को की सूची में भारत के कुल 42 स्थान है दोस्तों, 42। ठीक है, कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में। संगीत का शहर से नामित होने वाला ग्वालियर भारत का दूसरा शहर है। इससे पहले 2015 में वाराणसी को इस नाम से नामित किया जा चुका है। अगर बात करें तानसेन की, तो वो इसी शहर से है। तानसेन तो आप सभी जानते ही हैं। ग्वालियर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली शैली ग्वालियर घराने उद्गम स्थल है। यूनेस्को के संयुक्त क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क द्वारा यह नाम प्रदान किया गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के द्वारा किसके द्वारा यह नाम दिया गया है, तो और किसके द्वारा? संयुक्त क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के द्वारा यह नाम प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की। उद्देश्य की बात करें तो उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना जो संरचनात्मक को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। तो ये कुछ इसके डिटेल्स हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यार। हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वार्ता थी, यह थी 15वीं वार्ता। तो कहाँ पे आयोजित हुई है? नई दिल्ली।
जो मैक्सिमम जो बैठकें हैं दोस्तों दो देशों के बीच में भारत में, वो न्यू दिल्ली में ही होती हैं। अगर आपको पता ना हो तो ये टिक मार्क, अगर आपको कंफर्म आंसर ना पता हो तो आपके पास तुक्का लगाने के लिए न्यू दिल्ली। तब आयोजित हुई थी 1 नवंबर 2023 को। हाँ, न्यू दिल्ली। अध्यक्षता की बात करें तो भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और सिंगापुर के स्थायी सचिव चान हेंग के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगर उद्देश्य की बात करें तो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, सहयोग को बढ़ाने और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते हुए खतरों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना इस बैठक का उद्देश्य रहा। अगर सिंगापुर की बात बात करें तो वहां की राजधानी है सिंगापुर नगर, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और प्रधानमंत्री हैं चेल्लुपन रामनाथन, वहां के प्रधानमंत्री हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 40वां आकृति का वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो 40वां आकृति का अभियान चाइना के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। अगर हम बात करें भारत की तो भारत के वहां पे अभी तीन अभियान पहले से चल रहे हैं, कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। इस अभियान के पांचवें केंद्र की स्थापना की जाएगी इसके तहत, चीन के द्वारा पांचवें केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारत के कुल कितने केंद्र हैं अभी? भारत के अंटार्कटिका में तीन केंद्र हैं, और भारत के अंटार्कटिका में तीन केंद्र स्थापित कर चुका है। चीन से संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करें, वो है आईएएफ ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन तैनात किया है। S-400 दोस्तों रूस से इंपोर्टेड है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रसिया से लिया गया है। ठीक है, चीन में फाल्कन शील्ड 2023 का अभ्यास आयोजित किया गया। चीन नेशनल डिफेंस मोबिलिस्टेशन ऑफिस की स्थापना हाल ही में की है। ये वहां पे दोस्तों एक दलीय गवर्नमेंट है, वहां पे विपक्ष नहीं होता है, चाइना में तो इलेक्शन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ओटीटी परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? फोटो देख के आप समझ गए, ये हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव को ओटीटी परफॉर्मर ऑफ द ईयर के अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। साथ में हाल ही में इन्हें चुनाव आयोग के द्वारा यूथ आइकन नियुक्त किया गया है चुनाव के लिए, यूथ आइकन। तो राजकुमार राव द राइट आंसर। नेक्स्ट डिटेल्स देख लेते, वेब सीरीज गन्स एंड गुलाम और फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राजकुमार राव को नेशनल आइकन भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का संगठन का नेतृत्व साइमा वाजिद करेंगी। डिटेल्स देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में, महानिदेशक है गार्गेट चैन और संयुक्त राष्ट्र संघ की यह इकाई है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से नंदिता नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। नंदिनी दास को उनकी पुस्तक याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक याद, कोर्टिंग इंडिया, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पुस्तक का नाम कोर्टिंग इंडिया, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बुक याद रखिए।
ब्रिटिश अकादमी पुरस्कारों की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। यह वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कारों को पहले नायफ अल रोधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। पहले को किस नाम से? नायफ अल रोधन पुरस्कार, ये इसका पहले नाम था। फिलहाल क्या है? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट है, विशेष अभियान 3.0 को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय खनन मंत्रालय के द्वारा। इस डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। शुरुआत हुई थी 3 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य की बात करें, पिछले सभी मामलों की कार्रवाई की गति में सुधार करना, राज्य सरकार से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों और बेकार पड़े स्क्रैप का निपटान करना। अगर हम बात करें केंद्रीय एमएसएमई मिनिस्टर की, तो वो है नारायण राणे। हाल ही में इस अभियान का समापन किया गया है। केंद्रीय खनन मंत्री की बात करें तो वो है प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? यह हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो कुछ डिटेल्स इस प्रकार है दोस्तों। शुभारंभ हुआ इसका 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगा यह। उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा किया गया और यह लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। आयोजक कौन है इसके? उत्तराखंड परिषद के द्वारा यह महोत्सव हीरक जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है? कौन सा विश्वविद्यालय? यह है दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। फिलहाल जो इनके कुलपति हैं तारिक मंशूर हैं। और इसके सैटेलाइट लॉन्च के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो यह 3U क्यूबसेट विकसित करना, जो AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि AMU के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से विहान ताल्ले विकास को सम्मानित किया गया है। ये 10 वर्ष की एज है दोस्तों इनको, तो 10 वर्षीय विहान ताल्ले विकास। उस डिटेल्स देख लेते हैं। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान ताल्ले विकास ने प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष से कम आयु की श्रेणी में किताब अपने नाम किया। अगर बात करें इस किताब के ऑर्गेनाइजर्स की, तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और कहाँ पे हुआ था यह लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रां प्री किसने जीती है? तो यह किसके द्वारा जीती गई है दोस्तों? मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा। मैक्स वेरस्टैपेन इज द राइट आंसर। इस डिटेल्स देखते हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेंजी ने जीती थी। तो यह इंडियन ग्रैंड प्रिक्स हुई कहाँ थी? यह हुई थी नोएडा में। और शुभारंभ किसके द्वारा किया था? शुभारंभ और समापन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता। मैक्स वेरस्टैपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया। तो ये कुछ सभी ग्रैंड प्रिक्स जो हुई है दोस्तों, उनकी डिटेल्स है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो जाहिद हुसैन है दोस्तों, उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। ये है जाहिद हुसैन। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने अपने रजत पदक अपने नाम किया। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो राजधानी है वहां की सियोल, और मुद्रा की बात करें तो कोरियाई वोन वहां की मुद्रा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पे 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया गया? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हाल ही में कहाँ पे स्कूल राष्ट्रीय खेलों का? तो यह हुआ श्रीनगर में।
किसके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया? वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। कुछ डिटेल्स देखते, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस पर श्रीनगर में अंडर 19 फुटबॉल और अंडर 17 वॉलीबॉल के लिए 67वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। आयोजन हुआ इसका 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक यह चलेगा। क्लोजिंग थॉट है, तू सब्र रख जो तेरा है तुझे मिलके ही रहेगा। सफलता के लिए पेशेंस रखनी पड़ती है, तो थोड़ा सब्र रखें और सफलता के लिए मेहनत करें। जो आपने जो मेहनत की है उसका प्रयास सफल होगा और आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाले क्लासेस पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।